ज्योतिष आचार्य जी, जिन भी लोगों को कष्ट है उन्हें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, जाप की जो विधि है वह क्या होना चाहिए और कितनी बार जाप करने से उनकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला एक मंत्र शंकर जी का है जिसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। आपके घर में कलह हो, आपके शरीर में कष्ट हो, आपको धन की इच्छा हो, विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा हो, तो इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र जो है वह बहुत कारगर है। महामृत्युंजय जप का कुछ नियम है, कुछ नियम के साथ यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष रूप से फलदायी होगा। आप विशेष फल चाहते हैं तो थोड़ा सा नियम पर ध्यान देना होगा। आप जिस दिन मंत्र जाप प्रारंभ करें उस दिन शिववास होना अति आवश्यक है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादातर फलदायी होता है यदि आप मंदिर में बैठ करके करें। यदि आपको मंदिर ज़्यादा दूर पड़ जाता है या समय नहीं, तो आपका जो पूजा घर, काल स्नान करके शुद्ध श्वेत वस्त्र पहने और हाथ में माला द्राक्ष का गोमुखी में डाल करके शंकर जी का ध्यान करें, न्यास करें। न्यास करने के बाद गणेश जी का पहले जप करें। गणेश जी का जप करने के बाद ही महामृत्युंजय जप को प्रारंभ करें और जप के समय ध्यान रखें भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भोजन अटपट न करें। अटपट भोजन करने से आपका मंत्र जो है वह विशेष रूप से फलदायी नहीं होगा। जप के समय ध्यान रखें कि आपका मुख जो है वह अवश्य जला लें और धूप भगवान को दिखा लें, भगवान का पूजन कर लें। और आप यदि शुद्ध रूप से मंत्र का उच्चारण करके आप जाप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकें, लेकिन कम से कम एक माला यदि आप प्रत्येक दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कष्ट से मुक्ति मिलेगी।